हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। एमपीपीएससी टीएटी के पार्ट 20 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनरल रैंकिंग ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपको आ सकते हैं कि इंडिया की मिनरल के अंदर आपको रैंकिंग क्या है, स्टेट्स की रैंकिंग आपको क्या है। तो इसको शुरू करते हैं। और इसके पहले अन एकेडमी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो, और उसके साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको लाइक करो, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम अगर स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात करें कि राज्यवार कितना प्रोडक्शन आपको होता है, ओवरऑल जितने भी मिनरल्स हैं सबके अगर प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। अब देखो, नंबरिंग मैंने इसके अंदर नंबर्स डाले नहीं है कि कितना परसेंट वगैरह, क्योंकि वो याद करने से कोई मतलब भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 7 स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको होता है, जिसमें मध्य प्रदेश रैंक नंबर 6। एमपी के परस्पेक्टिव में याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना कि पिछले एक साल के अंदर जितनी भी नई माइंस ढूंढी गई हैं, उन नई माइंस के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा माइंस जो है वो मध्य प्रदेश में रिपोर्ट की गई है, उनको सर्च करके उनको स्टार्ट किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपका मिनरल प्रोडक्शन आपको होता है, चलिए, या उससे वैल्यू जनरेट होती है। अब अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें अलग मिनरल्स के अंदर, देखो ये रैंकिंग आपको हर जगह अलग अलग मिलेगी, हर वेबसाइट पे ये अलग अलग मिलेगा। बट ये जो डेटा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो माइन है या खनन मंत्रालय भारत सरकार का, उनके द्वारा जो रैंकिंग दी गई है वही रैंकिंग मैंने यहाँ पे डाली है, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक रैंकिंग आपको होती है। जिसमें लोग बात करेंगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट के उत्पादन में भारत जो है वो 6 नंबर पे है। क्रोमाइट के उत्पादन में देखें तो क्रोमाइट के उत्पादन पे भारत जो है वो 4 नंबर पर है। उसके बाद अगर हम लोग आयरन और या लोह खनिज की बात करें तो लोह खनिज के उत्पादन में वी आर इन द नंबर 4। हो सकता है किसी रैंकिंग में आपने सेकंड या थर्ड भी आपको पढ़ लिया हो, लेकिन ये सरकार के द्वारा दी गई ऑथेंटिक रैंकिंग है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रैंकिंग देते हैं, जो सरकार बताएगी वही हम करेंगे। मैंगनीज ओर की हम बात करें, मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में हम लोग 5वें नंबर पर हैं, जबकि हम लोग मैग्नेटाइज के अंदर अगर देखेंगे तो हम लोग 17 नंबर पे, 7वें नंबर पर आपको है। उसी के साथ आपके एपेटाइट और रॉक के उत्पादन में देकर देखा जाए तो वी आर ऑन द 15th नंबर। उसके साथ में हम लोग फॉस्फेट का जो उत्पादन है, फॉस्फेट के उत्पादन में हम लोग 3रे नंबर पर आपको है, 3rd नंबर पर आपको है। उसी के साथ में एल्यूमिनियम के उत्पादन पे जो है वो हम लोग आपको 3रे नंबर पे। और उसके अलावा अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर के उत्पादन में हम लोग वर्ल्ड में 7th नंबर पे, एल्यूमिनियम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। स्टील की हम लोग बात करें तो स्टील के उत्पादन में वी आर ऑन द 2nd नंबर, 1st नंबर पे चाइना है। और लेट के उत्पादन में अगर देखा जाए तो लेट के उत्पादन में हम लोग आपको 3rd नंबर पे, 3रे नंबर पे है। जिंक का उत्पादन अगर देखा जाए तो जिंक स्लैब के उत्पादन में वी आर ऑल्सो द नंबर 3। और उसके साथ में हम लोग, ये तमाम रैंकिंग इंडिया की हुई स्टेट वाइज, जो जो इंपॉर्टेंट इंडिया की रैंकिंग थी वो रैंकिंग आपको याद रखेगा। ओके, उसके अलावा अगर आयरन और एक एक करके अब एक एक मिनरल की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आयरन और की बात करें, लोह खनिज की बात करें, तो लोह खनिज के उत्पादन के पहले थोड़ा सा उसके टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप का आपको होता है। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का उत्पादन, मैग्नेटाइट के अंदर 72% जो है वो मेटल होता है। उसके बाद आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर आप देखोगे तो 60-70% आपको मेटल होता है। उसके बाद आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट के अंदर तकरीबन 40-60% जो है वो आपका मेटल आपको होता है। उसके अलावा सिडराइट की बात करें तो सिडराइट के अंदर भी तकरीबन 48% जो है वो मेटल आपको होता है। उसके बाद ये कुछ 3 टाइप आपको यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट वाइज अगर रैंकिंग की बात करें लोह खनिज के अंदर, तो सबसे ज्यादा लोह खनिज आपको मिलेगा उड़ीसा में, 2nd नंबर पे छत्तीसगढ़, 3रे नंबर पे आपका कर्नाटका, 4थे नंबर पे झारखंड, 5वें नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। तो आयरन ओर में याद रखना मध्य प्रदेश रैंक नंबर 4, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, और झारखंड के बाद आपका मध्य प्रदेश। अगली इंपॉर्टेंट आयरन ओर की बात कर अगला इंपॉर्टेंट मिनरल की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट मिनरल है मैंगनीज। और मैंगनीज के उत्पादन की बात करें, मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश रैंक नंबर 1, 2nd नंबर पे महाराष्ट्र,
थर्ड नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे है आपका कर्नाटका। तो ये चारों स्टेट याद रखिएगा। बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो बॉक्साइट के उत्पादन में अगर देखा जाए तो उड़ीसा इज रैंक नंबर वन, देन सेकेंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे झारखंड, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ और पांचवें नंबर पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र और छठे नंबर पे मिलेगा हमारा मध्य प्रदेश। तो ये रैंकिंग भी याद रखेगा, पहले नंबर पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश का रैंकिंग इसके अंदर छठे नंबर पे है। अगले प्रोडक्ट की बात करें, इट्स लाइमस्टोन या अगला कॉमोडिटी है लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन के उत्पादन में देखा जाए तो लाइमस्टोन के उत्पादन में राजस्थान इज अ नंबर वन, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। अब बोलोगे सर आपने भी थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश को लाइमस्टोन में सेकेंड नंबर बताया था, अब मध्य प्रदेश जो 22-23 की रैंकिंग है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आ चुका है। अपनी स्लाइड अपडेट कर लेना जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था, साथ ही अगर एग्जाम में आ जाए और उसमें अगर अगर सेकेंड ऑप्शन हो तो वो लगा देना, थर्ड हो तो थर्ड लगा देना, दोनों हो तो फिर क्वेश्चन ही गलत करवा देंगे। अगर थर्ड ऑप्शन है कि थर्ड रैंकिंग है तो थर्ड लगा देना, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि हम एमपी की रैंकिंग जो है वो तीन नंबर पे है। चौथा जो रैंकिंग है वो छत्तीसगढ़ का आपको होगा। चलिए ये तो बात हुई लाइमस्टोन की। मैग्नेटाइज की बात करें तो आपके मैग्नेटाइज के रैंकिंग के अंदर मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले नंबर पे है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे है कर्नाटका। तो तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटका, ये मैग्नेटाइज की रैंकिंग हो गई। क्रोमाइट की रैंकिंग की हम लोग बात करें तो क्रोमाइट की जो रैंकिंग है, इस क्रोमाइट की रैंकिंग में आपको उड़ीसा जो है वो मिलेगा नंबर वन, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा के अंदर ही क्रोमाइट होता है, उसके अलावा कहीं पर भी क्रोमाइट नहीं होता है। कॉपर की बात हम लोग करें तो कॉपर के उत्पादन में भारत में नंबर वन पर है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर आपको झारखंड। इवन मतलब मध्य प्रदेश कंसिस्ट मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में आपको होता है। ओके, उसके बाद अगर लेट की बात करें तो लेट के उत्पादन में अगर आप देखा जाए तो लेट के उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है वो नंबर वन यहाँ पर आपको है। सिर्फ राजस्थान में ही लेड बड़े मात्रा में आपको मिलता है, बाकी स्टेट में थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलते हैं जो बहुत नाकाफी है। मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज के उत्पादन में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश इज नंबर वन, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर पे अब कर्नाटका, पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। देखो इसमें आप है ना नंबर तीन तक भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जहां पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग है वो मध्य प्रदेश की रैंकिंग आपको जरूर आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉस्फोराइट की बात करें तो फॉस्फोराइट के उत्पादन में आपको राजस्थान मिलेगा नंबर वन और मध्य प्रदेश जो है वो फॉस्फोराइट के रैंकिंग के अंदर नंबर टू के ऊपर आपको है। अगर उसके बाद ये तमाम रैंकिंग्स आपको हो गई, उसके अलावा कुछ और रैंकिंग्स में भी कलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग डेटा, उसको हम लोग एक और रैंकिंग के सेकेंड वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो कोल और पेट्रोलियम वगैरह वो तमाम रैंकिंग जो है वो सेकेंड वीडियो में आपको आएगी। जिस ऑफर की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो ऑफर है अनअकैडमी का, जिसमें अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहा है 40% का ऑफर। इसके पहले अनअकैडमी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम एक्चुअली बदल चुका है, एमपीपीएससी कैटेगरी हो चुकी है मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स। तो याद रखिएगा आप एमपीपीएससी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, एमपी स्टेट एग्जाम आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज करना है। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन द प्लस क्लासेस। अभी आने वाले समय पे आपको इसके ऊपर 40% जो डिस्काउंट है 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद एमपीटीईटी वर्ग एक का एक इंपॉर्टेंट बैच ऑलरेडी आ चुका है, हिंदी और अंग्रेजी में तमाम कोर्सेज आपको होंगे। 3 महीने का बैच लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी जो तमाम टॉपिक्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जीत की रणनीति करके एक इंपॉर्टेंट बैच है, जहां पर आप जीत की रणनीति वाला जो बैच है इसमें एमपीएसआई का जो पूरा टॉपिक है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जिद करके एक बैच है जहां पर ₹199 में आपको पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा कई सारी और भी इंपॉर्टेंट बैचेस आपको मिल जाएंगे। विजय पर करके इंपॉर्टेंट सीरीज है तो विजय पथ करके एक इंपॉर्टेंट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद और भी कई सारे ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अभी जाइए मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम का सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए, एमपीपीएससी व्यापम तमाम एग्जाम्स आपकी एक शॉट में आपको प्रिपेयर हो जाएगी। चलिए सो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।